अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, ये बिल्कुल फ्री है। हाय गाइस, अगर आप लोग भी गूगल में अपनी इमेजेस या फिर फोटोज शेयर करना चाहते हो, जैसे ही कोई आपका नाम गूगल में सर्च करेगा तो वहाँ पे इमेजेस में आपकी भी फोटोज आएगी, जैसे सेलिब्रिटीज़ की आती है उसी तरह से आप लोगों की भी फोटोज़ आ सकती है। तो उसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले, तो उसमें क्या था कि मैंने लाइव डेमो करके दिखाया था कि किस तरह से जो है आप लोग उस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आपके फ़ोटोज़ गूगल इमेजेस में ईजिली सर्च करके आप लोग देख सकते हो या फिर कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मैं हूँ किशोर सरवैया और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो गाइज, आप लोगों ने देखा होगा टिकटॉक पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें लोग अपना नाम सर्च करते थे गूगल में और उनको उनकी फ़ोटोज़ दिखाई जाती थी। हालांकि वो एक एप्लीकेशन के थ्रू किया जाता था लेकिन वो फेक ट्रिक थी, लेकिन मैंने जो वीडियो में बताई थी वो 100% जेन्यून और रियल वर्किंग ट्रिक थी। तो उसी के रिगार्डिंग जो है मैंने उस वीडियो को अपलोड किया, उसमें लाइव डेमो दिखाया, तो उसके नीचे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि भाई हमारा जो गूगल में फ़ोटोज है वो नहीं दिख रहा है या फिर नहीं अपलोड हो रहा, तो उसका क्या रीज़न है। तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि क्या आपको करना है जिससे आपके फ़ोटोज़ भी गूगल में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे स्टेप्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको फॉलो कर लेने, उसके बाद ही आपके फ़ोटोज़ जो है गूगल में सर्च में दिखेंगे। अगर आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते तो ऑब्वियसली गूगल को भी पता नहीं चलेगा कि इस नाम से आपका फ़ोटो है, वो किसी और का दिखाता रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है वो इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं किस तरह से आप अपनी फ़ोटोज़ को गूगल इमेजेस में सर्च में ला सकते हो। अगर आप लोग का कोई यूट्यूब चैनल है या फिर आपके इंस्टाग्राम में अच्छे खासे फॉलोअर है या फिर यूट्यूब चैनल पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर है, फिर तो आपकी फ़ोटोज़ गूगल में ईजिली सर्च हो जाएगी क्योंकि आपने थंबनेल में या फिर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करी होगी। लेकिन अगर आप लोग का कोई भी ऐसा बेस नहीं है, आपके पास सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप कैसे जो है अपने फ़ोटोज़ को गूगल सर्च में लाओगे, तो यहाँ पे सिंपल सा मेथड है, आपको 2 से 3 सोशल मीडिया में बताने वाला हूँ, उस पर आपको अकाउंट बना लेना है, उसके बाद वहाँ पे आपको पोस्ट करना है जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, उन तीनों सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको बना लेने हैं, जैसे फर्स्ट ट्विटर हो गया, उसके बाद हो गया लिंक्डइन, उसके बाद हो गया पिंटरेस्ट। यहाँ पे तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको अपने अकाउंट्स बना लेने हैं अपने किसी भी नाम से, जिस नाम से आप लोग जो है अपनी फ़ोटोज़ सर्च में लाना चाहते हो, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल फ़ोटो जो है तीनों में डिफरेंट रखनी है। उससे क्या होगा कि तीन फ़ोटो जो है गूगल रिकॉग्नाइज कर लेगा कि इस नाम से इस प्रोफाइल में यह फ़ोटो है, तो गूगल पर जब भी कोई सर्च करेगा तो उसको वो प्रोफाइल फ़ोटो दिखेगी, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप कोई फ़ोटो गूगल इमेजेस में सर्च करते हो तो वहाँ पे नीचे लिखा हुआ रहता है कि किस वेबसाइट के थ्रू आपको ये फ़ोटो दिखाई जा रही है। तो आपको ट्विटर, पिंटरेस्ट और लिंक्डइन पर अगर जो भी फ़ोटोज़ अपलोड करते हो उसमें आपको जो है उस फ़ोटो का रीनेम करके वहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना। जैसे मैं फ़ोटो 1 जो है उसको अपलोड करने वाला हूँ, तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, उस फ़ोटो 1 को जो है रीनेम करके अपना नाम लिख दूंगा, उसके बाद ट्विटर, पिंटरेस्ट और लिंक्डइन पर जो है पोस्ट कर दूंगा। उसके बाद हैशटैग भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो कैप्शन में जो हैशटैग यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा कि जब भी कोई गूगल पर सर्च करेगा आपका नाम तो गूगल उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि इस हैशटैग या फिर इस नाम से जो है ये फ़ोटो अवेलेबल है। लिंक्डइन पर या फिर ट्विटर पर या फिर पिंटरेस्ट पर कहीं पर भी आपके नाम से कोई फ़ोटो अवेलेबल होगी तो गूगल जो है उसको सजेशन में लाएगा। तो इससे आप सिर्फ 1-2 दिन में नहीं ला सकते क्योंकि ऑब्वियसली बात है गूगल को टाइम लगता है इंडेक्स करने में, तो आप लोग 2 से 3 दिन या फिर 4-5 दिन तक जो है रेगुलर पोस्ट करते रहो, अपने फ़ोटोज़ को रीनेम करके उसमें कैप्शन में अपना नाम डाल के यूज़ कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा कि कुछ टाइम बाद आप नोटिस करोगे कि गूगल इमेजेस में आपके भी फ़ोटोज़ धीरे धीरे आने लगेंगे, उससे आपको ही बेनिफिट होगा क्योंकि जैसे आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो गूगल इंडेक्स करता जाएगा, वैसे वैसे आपकी फ़ोटोज़ दिखती जाएंगी। तो सिंपल सा मेथड है, बस आपको सोशल मीडिया पर अपने फ़ोटोज़ को रीनेम करके वहाँ पर खुद को अपना नाम डालना है या फिर कैप्शन में भी आपको अपना हैशटैग के थ्रू अपना नाम डालना है जिससे कि गूगल को पता चले कि इस नाम से ये फ़ोटोज़ यहाँ पे अवेलेबल है, तो गूगल अपने इमेजेस सर्च में जो है वो आपकी फ़ोटोज़ दिखाएगा। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, आपको 1 वीक लगाना है सिर्फ, आप 1 वीक तक जो है रेगुलरली पोस्ट करते जाओगे इसी मेथड से तो आपके भी फ़ोटोज़ 100% गूगल सर्च में जो है इमेजेस में आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी यूजफुल वीडियोस आप लोग सबसे पहले देख सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।